अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जुनेद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हनीफा टो 107 लिटन रोड लाहौर। आज इस रिक्शे का आपको रिव्यू देने वाला हूं। ये सीवा का 2023 मॉडल टांगा बॉडी ऑटो रिक्शा है, जो जिसे आप पूंडी रिक्शा भी कहते हैं। जी नाज़रीन, आज हम आपको सीवा टांगा बॉडी 2023 मॉडल है, इसका हम आपको रिव्यू देंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी नाज़रीन, हम इसके टायर से स्टार्ट करते हैं। ये इसका आप टायर देख सकते हैं, ये सर्विस का टायर है और साथ जो इसके शाख दिए गए हैं, दो दो शाख दोनों तरफ दिए गए हैं, तकरीबन चार शाख हैं ताकि रिक्शे की मजबूती रहे। और उसके आप नोज़ की बात करें तो इसकी नोज़ जो है लचकदार है, ताकि गाड़ी कहीं लगे तो नोज़ जो है वो टेढ़ी हो जाए लेकिन टूटे ना। उसके आप लाइट देख सकते हैं, इसकी जो लाइट है गोल लाइट है और जैसे कावा साहब की लाइट होती थी उसी तरह की ये लाइट है, काफ़ी बड़ी लाइट है, एलईडी लाइट है। इसके ऊपर आप विंड स्क्रीन पे जाते हैं तो विंड स्क्रीन के ऊपर वाइपर दिया है, जिसे आप अंदर से ही ऑपरेट करते हैं। बारिश वगैरह का पानी हो या वैसे अगर आपने साफ़ करना हो तो अंदर से ही आप इसे ऑपरेट करके साफ कर सकते हैं। साथ इसके दो मिरर दिए गए हैं, साइड मिरर, ताकि आप अंदर बैठ के पीछे देख सकें। इसके दो इंडिकेटर भी दिए गए हैं। अब इसके मीटर की बात करते हैं, मीटर में आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर है, इंजन गेज है। साथ इसके ये इंडिकेटर के लिए भी ऑन ऑफ वाला बटन दिया हुआ है, चारों इंडिकेटर जो आप पार्किंग में खड़ा करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसे आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो टंकी है इसमें तकरीबन 8 से 9 लीटर पेट्रोल स्टोर हो जाता है और इसमें रेडिएटर भी लगा हुआ है। यहाँ पर इसका रेडिएटर है, यहाँ पर आप पानी डालेंगे और वो सामने कैन है उसमें पानी स्टोर होगा, ठीक है, ताकि इंजन ठंडा रहे। यह इसकी ब्रेक है जो कि डिस्क ब्रेक है, जैसे बड़ी गाड़ी में ब्रेक लगी होती है इसी तरह की इसकी ब्रेक है। सीट की बात करें तो सीट जो है लेदर की सीट है, कंफर्टेबल सीट है, तकरीबन काफ़ी बड़ी सीट है। ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर भी आसानी से बैठ सकते हैं। इसकी इंजन की बात करें तो इंजन जो है इसका 200 cc का इंजन है। और पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल माइलेज की बात करें तो 1 लीटर में तकरीबन 20 किलोमीटर तक की एवरेज है। तो इसकी ये जो अंदर सीटें हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये फेस टू फेस जिसे बोलते हैं वो सीटें हैं, तीन सवारी यहाँ तीन यहाँ पे बैठ सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने टूल बॉक्स दे दिया है, अगर टूल बॉक्स रखना चाहें तो टूल बॉक्स भी रख सकते हैं। अगर इसमें पैसेंजर सामान वगैरह रखना चाहता है तो सामान भी रख सकता है। अब पीछे से आपको इसका व्यू दिखाते हैं। पीछे पे तकरीबन तीन सवारियाँ आराम से बैठ सकती हैं। नीचे इसके आप टूल बॉक्स दे दिया है, सामान भी रख सकते हैं, टूल बॉक्स भी है और नीचे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा फोर्ट्रेस दिया है। सवारी आराम से इसके ऊपर पांव रख के ऊपर जा सके और आराम से बैठ सके। दो इंडिकेटर दिए गए हैं। रक्षा काफ़ी शानदार और खूबसूरत बनाया है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर कोई लेना चाहता है तो हनीफा टो 107 लिटन रोड लाहौर आ सकता है। फिर इसकी प्राइस की बात करें तो 3,35,000 इसकी प्राइस है। अगर कोई लेना चाहता है तो हनीफ ऑटो 107 लिटन रोड लाहौर आ सकता है। इनका नंबर जो है स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद जुनेद शाह को इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।